बड़ी खुशी हो रही है कि ये तमाम लोग इतने चाहत से यहाँ पर जमा हुए हैं और 5 साल हो गए हैं उनके इंतकाल को, उसके बावजूद लोगों के दिलों में इतनी चाहत बाकी है और हमेशा रहेगी, मुझे उम्मीद है ये चाहत ये लोगों के दिलों में। और जब कमरुल इस्लाम साहब थे तो इसी तरह से मनाते थे, हम लोग भी घर पे काफ़ी लोग आते थे, केक्स वगैरह लेके सारा दिन चलता था पूरा। तो अब कमर साहब तो नहीं है लेकिन कमर साहब के चाहने वाले बहुत हैं और ये लोगों को देख के मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है। हर साल भी इंतकाल के बाद भी हर साल ये लोग अपने अपने एरिया में मनाते हैं। आज यहाँ पूरे कारपोरेटर्स हैं, तमाम उनके पार्टी के वर्कर्स हैं, सब मेंबर्स वगैरह सब हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये लोगों को सब यहाँ पर देख। एक कोई ख़ास मेमोरी मैडम जो आपके जहन में रहेगी खमर साहब के ताल्लुक से बर्थडे के मौके, वैसे कोई मेमोरी इतने साल जो याद? हर साल ही यादगार है, हर साल ही उनके साथ बर्थडे करने का हर साल ही याद है मुझे। उनकी जब 60th बर्थडे थी वो बड़ी धूमधाम से मनाए थे, घर पे ही मनाए थे, काफ़ी लोगों को बुलाकर घर पे मनाए थे वो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 जनवरी आज मरहूम कमरुल इस्लाम साहब की सालगिरह है। मैं आप तमाम कमरुल इस्लाम साहब के चाहने वालों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि उनके पैदाइश के दिन उनकी मगफिरत की दुआ करिए, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। ऐसा कोई वक्त नहीं है जो उनके चाहने वाले उनको याद नहीं करते हैं या उनके कामों को याद नहीं करते। उन्हीं की याद में केसीटी ग्राउंड में पिछले 8-10 दिनों से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कल 27 जनवरी को फाइनल, इंशाल्लाह कल फाइनल मैच होगा। जब तक गुलबर्गे में सियासत चलते रहेंगी कमर इस्लाम का नाम आता रहेगा, क्योंकि ऐसे शख्स थे वो, उनको कभी भुलाया नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अलहज कमर इस्लाम साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अदा फरमाए। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे कायद मोहतरम को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और उनके नसीहतों को हम जो है ना पूरे मिलकर उनके जो अधूरे ख्वाब थे उनको पूरा करें और कौम मिल्लत को जो है ना इत्तेहाद में रखें। शहर है गुलबर्गा से गुजारिश करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि जिस अंदाज से राज कमर इस्लाम साहब ने अपने हयात में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम गुलबर्गे के मुसलमानों को अपने कारनामे और हिदायतें दे के गए, तो हमारा तमाम लोगों का ये फ़र्ज है कि कौम और मिल्लत के लिए हमको देखते हुए आगे बढ़ना है। गुलबर्गा के शहरियान से अपील करता हूँ कि उनकी सिखाई हुई चीज़, उनकी दी हुई चीज़ को याद रखे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो चीज़ को अमल में लाए। जो उनकी फ़िक्र थी, जो उनकी सोच थी अमन और शांति इस गुलबर्गा शहर में, उस चीज़ को बरकरार हमारे और आपके MLA मैडम कनीस फातिमा जी ये 5 साल बखूबी निभाए हैं। वो टीचिंग्स को, वो प्रिंसिपल्स को हमारे लाइफ में हम इम्बाइब करना चाहिए। मैं तो अल्लाह से दुआगो हूँ कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे और उसी तरह और दुआगो हूँ कि अल्लाह उनके अहले ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। मैं जो है ना अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मरहूम कमर इस्लाम साहब की खबर को नूर से भर दे और सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। 40 साल से इत्तेहाद के लिए जैसे मिलादुन्नबी जुलूस निकालते और कौम मिल्लत और गुलबर्गा के तमाम लोगों ने सारी ज़िंदगी इत्तेहाद के लिए उन्होंने काम किया है, तो कौम मिली इत्तेहाद दिन मनाने के मैं शहरियान गुलबर्ग से अपील करता हूँ। यकीनन आज डॉक्टर कमर इस्लाम साहब हमारे बीच नहीं है, बल्कि ता हयात ता ज़िंदगी ता क़यामत तक कमर इस्लाम वो नाम है जो है ना हर किसी के ज़ुबान पे और जहन पे हमेशा जारी व सारी रहेगा।